भारतीय ग्रामीण इलाकों से शहरों की और रोजगार की तलाश में पलायन करना आज आम बात हो गई है। झारखंड राज्य के पिछड़े दलित व आदिवासी बाहुल इलाके से प्रतिवर्ष लाखों लोग रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर जा रहे हैं। मध्यपुर के आदिवासी इलाके भी अछूते नहीं है, यहाँ भी पलायन जारी है, पर यह नए रूप में उभरने लगा जो मानव तस्करी के रूप में सामने आ रहा है। हम लोग जो ट्रैफिकिंग जिसको बोलते हैं उसमें चार तरह का चीज आता है। एक तो स्थान परिवर्तन है, दूसरा है कि उसमें बिचौलिया होगा, तीसरा है कि उसके जिसको हम ले जा रहे हैं उसके साथ धोखा होगा, और चौथा है कि उसके साथ शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण ये होगा। तो इसको हम लोग ट्रैफिकिंग बोलते हैं। आदिवासी लड़कियों का मांग बड़े शहरों में काफी बढ़ रहा है, इन्हीं का फायदा उठाकर दलाल पलायन के आड़ में मानव तस्करी का नेटवर्क तैयार कर रखा है। भोले भाले आदिवासी का गरीबी तथा स्थान रोजगार के अभाव में शहरों में नौकरी पाने के लालच में दलालों के झांसी में जल्द आ जाते हैं और मानव तस्करी का शिकार हो जाती है। देवघर जिला का जो मधुपुर प्रखंड है यहाँ पे ज्यादातर जो ट्रैफिकिंग है, एक तो शादी के नाम पर लोग ले जा रहे हैं कश्मीर यूपी, वहाँ ले जाकर उनको बेच दे रहे हैं दूसरे के हाथ में, और दूसरा जो ट्रैफिकिंग है वो लोग काम के नाम पे आदिवासी लड़कियों को ले जा रहे हैं दिल्ली, और वहाँ पे प्लेसमेंट एजेंसी है जिसके माध्यम से वो दूसरे घरों में भेजते हैं और फिर उनके साथ जो शारीरिक शोषण होता है। वही है, गाँव लोग शादी ब्याह करी वहाँ दिल लगेगी, 20,000 रुपये में बेच दिले, बेच दिले ले तो फिर हम घूम के आलिए, पुलिस के हवाले से आलिए घूम के, हमने ये ले जाए ये सारा करी दे, चल तो उन्हें काम दबो 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 पूरा मजबूरी हालत में ही है, लेकिन वो काम धंधा न दिए, ये अपन मजबूरी जिंदगी कटावे। पिछले 3 सालों में हमारे प्रखंड से 77 लड़कियां मानव तस्करी के हत्या चढ़कर लापता थी, जिसमें से महज 12 लड़कियां ही खुद किस्मत निकली कि उनके गिरफ्त से भाग सकने में कामयाब हो सकी, बाकी 65 लड़कियों का कोई सुराग नहीं, वो कहाँ और किस हाल में है, वह है भी या नहीं। हमारे पास कुछ नहीं, लाल कार्ड है, राशन कार्ड है, सरकार हमने कुछ रोजगार दिले, कुछ हड़ताल समस्या कैसे। मुझे लगता है यह मानव तस्करी व लड़कियों का गुम होने का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस दिशा में सचेत नहीं होती व स्थान स्तर पर रोजगार का प्रोत्साहन नहीं कराती। मैं मुकेश रजक, झारखंड के देवघर जिला का इंडियन हट से।